हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हमारा सातवां दिन है 30 दिन 30 अनबॉक्सिंग और 30 गिव अवे का, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेस्ट बजट डिवाइस iGumi i2। पहले मैं आपको बताऊंगी मेरा ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टेस्ट के लिए आपको क्या करना है। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है ये, सिर्फ 7,500 रुपए का डिवाइस है, लेकिन देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में हमें मिलता है 3D कर्व मिरर फिनिश वाला पैनल, जो कि देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगेगा आपके हाथ में। डिवाइस छोटा है, हैंडी है, आप इसको इजीली हाथ में होल्ड कर सकते हैं, यूज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसकी जो फिनिश है वो मुझे बहुत ही पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्लास्टिक है, वैसे प्लास्टिक का डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गंदा वाला प्लास्टिक है, अच्छा प्लास्टिक यूज किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एजेस कर्व्ड है, बहुत ही बढ़िया लगता है डिवाइस देखने में। मतलब अगर आपने इसको हाथ में होल्ड कर रखा है तो ये लगेगा नहीं कि सिर्फ 7,500 रुपए का डिवाइस है, कमाल का लगता है ये लुक वाइज। वैसे भी ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन ये मुझे काफी अच्छा लगा। और फ्रंट साइड में अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो हमें मिलता है 5.45 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको 18:9 स्क्रीन रेशियो मिलती है। मतलब कि बढ़िया बॉडी है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में हमें फुल व्यू डिस्प्ले भी मिलता है, और इसके अंदर आपको HD+ रेजोल्यूशन मिलती है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि कितना ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। इसके साथ ही आपको इसके अंदर मिलता है डुअल कैमरा सेटअप बैक साइड में, जिसमें से एक है आपका 13 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरा है हमारा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट वाला कैमरा। 7,500 रुपए का डिवाइस है तो आप सोचेंगे कि इसका कैमरा तो भाई अच्छा होगा नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने पिक्स ली है, बुके मोड में भी इसकी पिक्स काफी डिवाइसेस से बेटर आई है, कलर्स भी अच्छे हैं, देखने से क्वालिटी लग रही है पिक्स की। और अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, उसकी भी पिक्स की क्वालिटी काफी सही है। इसके अंदर LED फ्लैश भी है, जिससे आपकी लो लाइट पिक्स भी काफी बढ़िया आएंगी। ब्यूटी मोड में मिलता है आपको, ब्यूटी मोड को ऑफ भी कर सकते हैं। दोनों ही फ्रंट एंड बैक कैमरा मुझे काफी सही लगे। साथ ही इसके अंदर आपको कुछ स्मार्ट लॉक्स भी मिलते हैं, जैसे कि ऑन बॉडी डिटेक्शन, जिससे कि अगर आपने डिवाइस को होल्ड कर रखा है तो ये लॉक नहीं होगा। फिर है ट्रस्टेड प्लेस, अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो आपके घर पे ये अनलॉक रहेगा। ट्रस्टेड डिवाइस, जिससे कि ये कुछ डिवाइसेस के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और आप इससे इजीली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रस्टेड फेस, जो कि आपके फेस आईडी की तरह वर्क करता है। ये डिवाइस को खोल तो देता है, लेकिन आपको लॉक स्क्रीन पे रखता है। मतलब कि जिसका ट्रस्टेड फेस है, अगर मेरा ट्रस्टेड फेस मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मुझे इसके अंदर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्वाइप अप करूंगी और सीधा मैं अपने होम स्क्रीन पे आ जाऊंगी। अगर कोई और मेरे डिवाइस को उठाता है तो उसको पासवर्ड पता होना चाहिए, ये काफी अच्छी चीज है। साथ ही आपको वॉइस मैच भी मिलता है, मतलब कि सिर्फ आप ओके गूगल बोलेंगे और आप गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलते हैं कुछ सेंसर्स, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी और जी सेंसर। लेकिन इस डिवाइस के अंदर छोटी सी कमी ये है कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब कि या तो आप दो सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको एक सिम के साथ अपना मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा दूसरे सिम को हटाने के बाद, और आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड इस पर डाल सकते हैं और आपकी जियो सिम भी इसमें आराम से चलेगी। इसकी मेमोरी में आपको 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात तो हमें मिलता है मीडियाटेक 6739 का प्रोसेसर, उसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 8 मिलता है। इसकी रेंज के हिसाब से इसका प्रोसेसर ठीक है, आपके डे टू डे सारे काम इसमें बेसिक वाले हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही अगर मैं बैटरी की बात करूं तो हमें मिलती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी, लेकिन साथ में आपको नॉर्मल चार्जर मिलता है। वैसे तो इस रेंज में जितने भी डिवाइसेस आते हैं उन सबके अंदर आपको नॉर्मल चार्जिंग ही मिलती है, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, लेकिन बैटरी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके गिव अवे की। तो गिव अवे के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे। आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और इस पे व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज नहीं आएंगे तो जो मैं टारगेट रखती हूँ वो किसी भी मेरे गिव अवे पे पूरा नहीं होगा। तो आपका जो रिजल्ट 15 दिन में आ सकता था वो 3 से 4 महीने में आएगा। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम रिजल्ट नहीं आ रहा, कब आएगा, तो आप ये चीज समझिए, आपने वीडियो नहीं देखा तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, आपको पता ही नहीं है। और अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो रिजल्ट लेट हो जाएगा, 3 से 4 महीने लेट हो जाएगा। मेरे कुछ सपोर्टर्स हैं जो कि इतने अच्छे हैं, जो कि मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि हमने अपनी दो आईडीज, उनके पास दो आईडीज हैं, हमने दोनों आईडीज से आपका पूरा वीडियो देखा है दोनों बार। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि एक आईडी से भी पूरा नहीं देख रहे हैं। 30 गिव अवे लाना आसान बात नहीं है, काफी मुश्किल चीज है, और मैं बिना किसी कंपनी के सपोर्ट के कर रही हूँ। तो प्लीज मुझे अपना सपोर्ट दीजिए और आप भी अपना फोन जीतिए। और इसका रिजल्ट मैं आपको सिर्फ
व्यूज के बाद दूंगी। रिजल्ट आपको फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे मिल जाएगा। उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में अगर आपके पास कुछ और भी सजेशंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।